हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते जिसका नाम है रीत ब्लॉग्स। सो गाइज, आज है अनदर डे इन माई लाइफ और मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड से मिलने। सो ये जो मेरा फ्रेंड है ये बहुत ही खास है बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड था जब मैं रशिया आई थी, जो बना था। वो कैसे हुआ था, क्या सब है, वो ही बताएगा अगर वो एग्री हुआ वीडियो में आने के लिए। तो आई होप, बिकॉज ही इज़ टू शाई, तो मैं ट्राई करूँगी वो ब्लॉग में डेफिनेटली आए। तो चलो चलती हैं और फटाफट से आपको भी मिलवाती हूँ उससे। और एक्चुअली हमने प्लान किया था बाहर कहीं पर मिलने का। बोल रहा था कि मैं तुझे कॉल करूँगा वहाँ पहुँच के, और तब तक मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। और जैसे ही मैंने चाय बनानी रखी और उसकी कॉल आ गई, तो अब मैं चाय जो है साथ में लेके जा रही हूँ, रास्ते में पीते जाऊँगी। चलो फटाफट निकलें बिकॉज मुझे लेट हो जाएगा अदरवाइज, एंड वो लोग मेरे से पहले पहुँच जाएंगे। लेट्स गो। एज़ यू ऑल नो, जब मैं लास्ट टाइम जो है अम्यूज़मेंट पार्क में आई थी, आप लोगों को पता है मैंने रॉकेट राइड ट्राई करी थी। तो आज जो है रॉकेट राइड नहीं, मैंने तब आपको बोला था ना कि मैं जो है रोलर कोस्टर जो है 100% ट्राई करूँगी जो इस साइड पे था। तो आज मैं डेफिनेटली वही ट्राई करूँगी और मैं मिलवाती हूँ अपने फ्रेंड से भी, वो लोग आगे आगे जा रहे हैं। राकेश, सो गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड जो मैंने बोला था जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ। तो इसने जो है अभी इसने जो है अभी रॉकेट राइड ट्राई करी है जो लास्ट टाइम मैंने करी थी। तुम्हारा कैसा था एक्सपीरियंस? ऑसम था, मस्त था, क्योंकि ये इंडिया में ऐसा मतलब ये मिलता नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब रशिया में न्यू एक्सपीरियंस था रशिया में, फर्स्ट टाइम मैंने देखा और ट्राई किया, बहुत मज़ा आया। और जब ऊपर जाने के बाद वो टर्न लेता है ना, तब थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन बाकी बहुत मजेदार था। जब भी मौका मिले सबको ट्राई करना चाहिए। और मैं जो भी कोई आता है ना पकड़ पकड़ के सबको रॉकेट राइड करवाने लेके आती हूँ मैं। और ये लोग जो है मेरे, जब भी मैं रशिया में आई थी, फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स हैं सब। और आई थिंक हम लोग 5 साल बाद मिल रहे हैं से, अभी दूसरे 14 के बाद। हाँ, और दिस इज माई सेकेंड फ्रेंड जो कि जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये मेरा सबसे पहला दोस्त बना था रशिया में और हम लोग साथ में रशिया आए थे, तो वो चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते। तो या ये रॉकेट राइड इसने ट्राई नहीं करी है, उसके बारे में राकेश बता सकते हैं। राकेश क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एडल्ट के लिए था, अंडर 18 और सीनियर सिटीजन के लिए अलाउड नहीं था, इसलिए वो यहाँ ट्राई नहीं किया। हाँ, और इसलिए नहीं, उसने वो ट्राई नहीं किया है। मरने से अच्छा मैं जिंदा ही रह लूं। और उसने ये बोला था अगर मैं वो ट्राई करूँ तो उससे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर दो। हाँ। क्योंकि उसको CPR से भी उस टाइम पे हेल्प नहीं मिलने वाला, हम पे भरोसा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 6 मतलब 6 ईयर में हो चुके हैं। हाँ। तो ऑलमोस्ट डॉक्टर बन चुके हैं, तब भी हम पे भरोसा नहीं है उसको, हम पे किसी पे भरोसा नहीं है मेरे को। ठीक है, चलो अभी हम लोग ये रोलर कोस्टर राइड ट्राई करने जा रहे हैं। एक ट्राई करने के बाद एक्सपीरियंस बताते हैं अपना कि कैसा था ये। ये एक्सप्रेस नहीं कॉर्ड क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देवू तू? अपनी जिंदगी में और कभी मैं पार्क नहीं आऊंगा, ना ही कहीं बैठूंगा, झूले पे भी नहीं बैठूंगा, ट्रेन में भी ना बैठूंगा। राकेश जिसके साथ बैठा था, सो मैंने ये चीज नोटिस किया, ऑलमोस्ट 1 मिनट का राइड होगा। हाँ। एक सेकंड भी उसने आँख नहीं खोला। खोला था मैंने बीच में। लेकिन बहुत मजा आया सच में। हाँ, बहुत मजा आया, क्योंकि स्पीड थी और उसको ऊपर से ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा था ना, पूरा टर्न कर रहा था, बहुत ज्यादा। मैंने अंधेरे के अंदर जाके फिर से निकल रहा था। हाँ,
बट अच्छा था, आई थिंक रॉकेट से बहुत अच्छा था यार। हाँ, रॉकेट मतलब मतलब उसका अपना एक है और इसका इसका अलग, वो हाइट पे है, इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है। मजा था, मजा था, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आज। मतलब यू नो वो एक यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं रशिया आई थी तब ये जो देवाशीष है ये मेरे साथ आया था, हम दोनों ही थे सिर्फ जो उस टाइम पे दिल्ली से रशिया आ रहे थे, और ये मेरा फर्स्ट ईयर का फ्रेंड है और आज मैं उससे बहुत देर बाद मिली हूँ। कुछ चीज़ों की वजह से हमारे जो हैं यू नो करियर चॉइसेस की वजह से रास्ते अलग अलग हो गए थे, बट लेकिन फिर भी कनेक्टेड हैं। अभी ये सेंट पीटर्सबर्ग आया हुआ था तो बोला कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुझे मिलना है तो तू आ जा। तो मैंने सोचा वाई नॉट, वाई नॉट। तो उसके साथ राकेश जो है ये भी हमारा बैचमेट था, हमारा बहुत इंटेलिजेंट बैचमेट, एंड इन्जॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद जो है हरमिताज वाली साइड चलते हैं, नेफ्टी प्रॉस्पेक्ट, वो भी एक बार घूम लेते हैं, बिकॉज ये लोग यहाँ पे आई थिंक कल का दिन ही है, फिर ये लोग चले जाएंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके एक दिन में घूम लिया जाए। तो नेफ्टी प्रॉस्पेक्ट जा रहे हैं अभी हम इसके बाद। जो पैलेस है वो इसमें अच्छा कैप्चर हो रहा है, वरना इस साइड बहुत डार्क फील हो रहा है, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, एज यू कैन सी बोथ ऑफ देम। बहुत मज़ा आ रहा है आज, बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज हम लोग पुरानी बातें कर रहे हैं ना, सो आई एम इन्जॉइंग दी मोस्ट दी मोस्ट। तो अभी हम लोग नेफ्ट के प्रॉस्पेक्ट ही घूमेंगे पूरा, इसके ऊपर जो भी है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। इधर आ। सो गाइस, फुटबॉल का क्रेजी बंदा है ना कोई, तो ये है बहुत ज़्यादा, कुछ भी इसे फुटबॉल के रिलेटेड चीज़ मिल रही है तो ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है उसको। और क्या क्या खरीदने का इरादा है तुम्हारा? अभी क्या खेलोगे? अभी हमने स्कार्फ खरीदा है, जो कि ये पहनने भी नहीं वाला है। पहनूंगा मैं, ऐसे ही पहन के घूमूंगा, पहनूंगा। इसको ये नहीं है कि ये सेंट पीटर्सबर्ग में आया है तो पीटर्सबर्ग के रिलेटेड चीज़ें ले ना। मैम मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप लोग बताओ, अगर आप में से कोई फुटबॉल का फैन है तो कमेंट डाउन बिलो। А спина в муравьиной куче. Буду я, я из более прочного теста. ऑलराइट सो गाइज, जैसे स्टार्टिंग में मैं बोल रही थी कि मेरे फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स हैं ये जिनसे मैं मिल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत अगर इनको मेरे बारे में कुछ याद है, मतलब कोई भी थोड़ी बहुत ही मेमोरी, सो पहले राकेश से पूछते हैं। मुझे तो मतलब हम 2014 में आए थे और साथ में हमारा एक ही बैच था, तो मुझे इतना याद है इसके बारे में। ये बहुत ही जीनियस थी, मतलब एक्चुअली वीडियो बना रही इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रशियन में जब भी क्लास में आती थी, मतलब दो तीन क्लास एब्सेंट भी कर ले फिर भी मतलब उसका हमसे ज़्यादा मतलब रशियन ग्रामर पे और लैंग्वेज पे ज़्यादा पकड़ता हूँ और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती थी क्लास में। तो मैं भी हमेशा ये सोचता था ये बंदी क्लास एब्सेंट करती फिर भी इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या करती क्या है घर पे। देखो मैंने पोलिना से ना पर्सनल प्राइवेट ट्यूशंस ली हुई थी। और ये है कौन है पता नहीं, पोलिना की फेवरेट स्टूडेंट कौन है, कौन है ये पता नहीं। अच्छा वो हमारे टीचर दर्शन के लिए, हाँ हाँ, तो वो इसकी उसकी इसकी और उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और ये मतलब कुछ ज़्यादा इसके साथ क्लोज थी शायद, मे भी इसलिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती होगी इसके लिए। ओ पता नहीं यार, मतलब ये बोल रहा है लेकिन एक्चुअली मैं बहुत जीनियस थी। अभी तो ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गया हम लोगों का, मतलब अब कैसे है क्या कर रही है नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, जीनियस, बहुत जीनियस, हमेशा जीनियस होता है।
और मैं हमेशा कॉपी करता था इसके एग्जाम्स में कि मेरे साइड में बैठती थी, मैं जो जो लिख देती थी मैं लिख देता था, क्योंकि कॉपी जीनियस की कॉपी में क्या जाता है, झूठ बोल रहा है ये करके फिर मेरा लिख देते। नहीं, ये बंदा बहुत झूठ बोल रहा है, जितना दिमाग इसके पास है ना किसी के पास नहीं है, ये छुपर रुस्तम वाले बच्चे ही होते हैं जो। मैं अपना कंपैरिजन इसके साथ करूं ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी। अभी अभी थोड़े टाइम पहले इसने बोला था बहुत ही शर्म की बात होगी। नहीं एक्चुअली मैं सच में मतलब इसका दिमाग बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट माइंड है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम पे अच्छा सा मतलब समझ लेती है। हाँ क्योंकि देख लैंग्वेज जो होता है ना एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, अब फिर भी उसको अच्छे से समझ रही है, उसको अच्छे से पढ़ रही है, तो मतलब बाकी चीज में कैसे हो गए तो आप सब खुद समझ सकते हो। गाइस मैंने कोई पैसे नहीं दिए इन लोगों को, खुद से बोल रहे हैं ये लोग। और हमारा हॉस्टल नहीं, ये फैक्ट है तो उसमें मतलब बोलने में कोई बुराई नहीं है, जो सच है सच है। और हमारा हॉस्टल आज भी ढूंढता है हरप्रीत को, शायद आ जाए कभी मिलने वहां पे। मेरा चांस नहीं लगा, लगता तो मैं जरूर आती, मेरा खुद का बहुत मन है कि एक बार वो हॉस्टल लाइफ नहीं मिली मुझे, कहीं भी नहीं मिलेगी, मजे आते थे तब बहुत ज्यादा, अलग ही मजा। हाँ, और हम दोनों लास्ट में आए थे, हम दोनों लास्ट अकेले, हाँ, अकेले आए थे हम लोग। एयरपोर्ट पर हम पहुंच गए थे मॉस्को में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है क्या क्या है, कोई हमें लेने भी नहीं आया था। हाँ, फिर हम सच में कोई लेने भी आया था, ठीक है, और हम इधर उधर ढूंढते थे। अरे हमने खुद से सिम भी बाय किया था, सिम नहीं दिया था मैं तुमको, नहीं खुद से सिम बाय किया ताकि घर वालों को कॉन्टेक्ट कर पाए कि भाई हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। तुम्हें कोई वाई फाई नहीं दिया था स्टार्टिंग में, कुछ नहीं पता था ना, बात कर रही है एयरपोर्ट पे। और करेंसी चेंज भी किया था हमने, जो हमें वो भी हमें महंगा पड़ गया, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता था तभी तो ये। आजकल तो इंटरनेट नहीं, जब जिस ईयर की बात कर रही है ना उस ईयर में सबसे फर्स्ट बैच हमारा था, हम सितंबर 22 को 2014 में आए थे, तो हमारा बैच ये लोग शायद दिसंबर या नवंबर में आए थे, नवंबर में आए थे हम, सितंबर 22 को आए थे, तुम्हारा फर्स्ट बैच था, इनका लास्ट बैच होगा, सबसे लास्ट आए थे, सबसे लास्ट दो बंदे। चलो अभी जो है हम लोगों ने आज बहुत ज्यादा घूमा है और आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा बहुत, और स्पेशली राइडिंग में तो बहुत हाँ, मजा आया मेरे तो अभी भी नेक में, इसने नहीं किया, मैंने किया था, रॉकेट नहीं किया, रॉकेट यार अगर ये बंदा रोलर कोस्टर कर सकता है तो रॉकेट भी कर सकता था। दोनों का एक्सपीरियंस ना मुझे बहुत मजा आया सच में, बहुत मजा आया। अगर आप लोग अभी आते हो तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, रोलर कोस्टर तो इंडिया में मिल जाएगा लेकिन आपको रॉकेट वाला जो है ना राइड यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा था और बहुत ही ऑसम न्यू एक्सपीरियंस था, हाँ मजा आ गया। चलो अभी इन लोग का कल का दिन और है, देखते हैं कल इन्होंने क्या एडवेंचर करना है। अभी हम लोग जो है जा रहे हैं घर पे, सो तब तक के लिए आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। तो अच्छा लगा गाइज अगर ये वीडियो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।